हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में, जहां मैं महेश आपको बताऊंगा जो हमने शुरू किया है नवरात्रि के 9 दिन की कैसे पूजा करनी, जिसका मैंने कल पार्ट 1 किया था। कैसे हम शक्ति को अर्जित करें, कैसे हम कहीं पर भी जाएं तो हमारे काम में हमको सफलता मिले, उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हमारी आमदनी स्थिर हो और बढ़ती रहे, कैसे हमारा जो इनकम का स्रोत है वो लगातार बढ़ता रहे और हमारे घर में जो पैसा आता है, जो हम आमदनी करते हैं, जो हम मेहनत से कमाते हैं, वो पैसा हमारे घर में टिका रहे। पैसा हम कमाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्या होता है, कभी कोई बीमारी की वजह से, कभी किसी और वजह से, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। कई बार हम मेहनत ज़्यादा करते हैं पैसे को कमाने के लिए, लेकिन वो फल हमें नहीं मिलता है, उस तरीके से हमारी इनकम होती नहीं है, हमारे इनकम के सोर्स उस तरीके से हो नहीं पाते हैं। तो इस पर मैं आज आपको बताऊंगा उपाय, क्या करना है, किस तरह से ये करना है कि जिससे आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और आप जो पैसा कमा करके लेकर आए हैं वो आपके घर में टिके और उसका सदुपयोग हो, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊंगा प्रतिदिन, जिसे नवरात्रि के 9 दिन हैं, तो हर दिन अगले दिन मैं आपको बता दूंगा कि कल कौन सी पूजा आपको करनी है, किस माता की स्थापना करनी है वो बताऊंगा, ताकि आप उस दिन भर में अगले दिन की पूजा की तैयारी कर सकें। और उस दिन का एक टोटका बता दूंगा, एक उपाय बता दूंगा कि जिससे यदि आप उस संपूर्ण पूजा को नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि आप उस टोटके को कर लेते हैं, उस उपाय को कर लेते हैं, तो भी आपको वो पूजा के जितना ही फल प्राप्त हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इसमें आपकी जो मनचाही सफलता है आप उसको प्राप्त कर सकें। इस तरह का मैं हर अगले दिन आपको एक उपाय और 9 दिन की पूजा आपको बता दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ के धन प्राप्ति के लिए, धनार्जन के लिए, और उस पैसे का आप सदुपयोग कर सकें और अपनी लाइफ में प्रगति कर सकें, इसके लिए माता लक्ष्मी का मैं जो उपाय है वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको माता लक्ष्मी की स्थापना कर लेनी है नवरात्रि के प्रथम दिन से ही। उसमें आपको एक मेरु यंत्र लाना पड़ेगा, आप मेरु यंत्र लेकर के आएंगे और आप में उसको प्रतिदिन जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की एक माला करनी है, और हर मंत्र के बाद आपको मेरु यंत्र में कुमकुम कंकु जो लाल कलर का आता है वो आपको उस पर चढ़ा देना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कुमकुम क्या है, कंकु क्या है, तो मैं बता दूँ, जो हम पूजा में उपयोग में लेते हैं, जिसका हम तिलक करते हैं, उसे कुमकुम कंकु कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है वो आपको करना है। यदि आप इससे विशेष कर सकते हैं तो एक कमल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। और ये करने के बाद में, अब यदि आप कमल का फूल नहीं भी चढ़ा पा रहे हैं, तो आप कुमकुम उसमें चढ़ा दीजिए। लगातार नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको ये उपाय करना है, और 10वें दिन दशहरे के दिन, इस बार दशहरा नवमी के दिन है, तो आपको उसका एक माला का हवन कर देना है। 11, 21, 7, 9 लड़कियां आपको खिला देनी है, जो 7 साल से कम उम्र की हों, तो आपकी ये जो पूजा है ये आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी, ये जो आपका मंत्र है ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने जो वो मेरु यंत्र में कंकु जो अर्पित किया था प्रतिदिन, वो कंकु आपको एक डिबिया में ले लेना है। उस कंकु को आपको, आप जहाँ कहीं भी आलमारी में, तिजोरी में, जहाँ कहीं भी पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको वो कंकु रख देना है थोड़ा, और थोड़ा कंकु आपका जो बटुआ है, आपका पर्स है, उसमें एक पड़ीकी बनाकर रख लेनी है। इतना करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और आप देखेंगे कि आप जो कोई भी काम करेंगे उसमें आप जो प्रयत्न करेंगे उससे आपको अधिक सफलता मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि आप जो प्रयत्न कर रहे थे उसमें आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अब आपको सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी, आमदनी के आपके जो स्रोत हैं, इनकम के जो सोर्सेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो मंत्र आप नोट कर लीजिए, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसको करने से आपको 110% सफलता मिलेगी।
बीज मंत्रों की खास बात है, ये कभी भी नाकाम नहीं जाते हैं। इसकी सफलता की 110% गारंटी होती है। हाँ, आपको नीति नियम स्वच्छता, ये जो सामान्य नियम है, इसका पालन करना है, सूर्योदय से पूर्व उठना है, ये सारे बेसिक जो रूल्स हैं इसको आपको फॉलो करने आवश्यक हैं। तो मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। सिर्फ इतना मंत्र है, इस मंत्र के आपको एक माला करनी है जो 10 मिनट का आपको सिर्फ समय लगेगा। इतना करने से आपको आपके मनोवांछित फल जो धन प्राप्ति को लगते हैं वो मिलने लग जाएंगे। तो देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में आनंदित होते रहिए। धन्यवाद।